हाँ तो बच्चा अब हम बात किस पर करेंगे, रेशनल नंबर्स पे। ओके बेटा, रेशनल नंबर्स में एक टर्म क्या आता है, रेशनल, आर ए टी आई ओ एन ए एन। ओके रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले हमें दो दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो नंबर्स की बातें आती है, किसकी बातें आती है बेटा, नंबर। तो सबसे पहले हम किस पर डिस्कस करेंगे बच्चा, किस पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स पर डिस्कस करेंगे। ओके सबसे पहले हम किस पर डिस्कस करेंगे, नंबर्स पर। इसके बाद आफ्टर दैट वी शैल डिस्कस अबाउट रेशनल। ओके तो नंबर्स की बात कर लेते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम की बात कर लेंगे, थोड़ा नंबर सिस्टम की बात करेंगे। Do you know about number system? Okay, there are three types of number system. Numbers कौन कौन से हैं बच्चा पता है? एक फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सेकेंड वन होल नंबर। थर्ड वन इंटीजर। ओके यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, बट हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फेसेस को रिकॉल कर रहे हैं। ओके हम किस पर बात करेंगे बेटा, इस नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स पर बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, यहां पर एक जीरो मेंशन करते हैं। ओके सिवा वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट सो वन प्लस वन टू थ्री फोर फाइव। राइट साइड के जितने नंबर्स होते हैं उसको किससे मेंशन करते हैं बेटा, वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डॉट डॉट सो वन। इस तरह से लेफ्ट साइड आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन। लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर्स होता बेटा, निगेटिव नंबर्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव डॉट डॉट सो वन। इस लाइन को बेटा क्या कहते हैं, एक लाइन पर हम इसको जो डिनोट किए हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, नंबर लाइन। ओके इस नंबर लाइन पर हम सारे नंबर्स को यहां पर क्या किए, मेंशन कर दिए। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट वन जो नंबर सिस्टम होता है, इस पर इस नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में आते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर आपको कौन सा मिलता है बेटा, नेचुरल नंबर। ओके नेचुरल नंबर बेटा, नेचुरल नंबर एज ए प्रैक्टिकल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट होता, बोलते हैं नेचुरली है, मीन्स नेचर ने उसको प्रोवाइड कराया, वो तो नेचुरली है, नेचर ने प्रोवाइड कराया। एक नेचुरल नंबर की जब बात करेंगे, नंबर की, तो नंबर को, नंबर जो होता है हम जब यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकल जो बिहेव में हम यूज करते हैं, व्यवहारिक तौर पर यूज करते हैं, जैसे मार्केट गए, सपोज मार्केट गए, हमें बॉटल परचेज करनी है, इस टाइप का कोई बॉटल परचेज करना है, हम बोलेंगे भाई वन बॉटल दे दो, ये बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि माइनस वन बॉटल दो, ऐसा तो कुछ नहीं बोलेंगे, माइनस वन बॉटल दो होगा तो वन से ही स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर फाइव वट एवर, जितना भी आपको नंबर्स में चाहिए उतना बॉटल तुम उससे जो है परचेज करोगे। मार्केट गए, सपोज मार्कर आपको परचेज करना, आप बोलोगे मुझे थ्री मार्कर्स चाहिए, कितने मार्कर्स चाहिए, वन टू थ्री, इस तरह से इस तरह की बात आप करोगे। लेकिन वहां जाकर आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे जीरो मार्कर चाहिए, आपको जीरो मार्कर चाहिए तो आप मार्केट जाओगे ही नहीं परचेज करने के लिए। तो मीन्स जो प्रैक्टिकल नंबर्स आप यूज करते हो उसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और जैसे सपोज आप नंबर ऑफ ट्री कहीं किसी गार्डन में आप गए, वन नंबर ऑफ ट्री आप वहां पर काउंट करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव समथिंग कुछ नंबर्स आपको मिलेगा वहां, जितने जो भी आपके ट्रीज होंगे, बनाना हो पोटैटो, बनाना हो सॉरी, और क्या बोलते हैं उसको, गुआवा हो। ओके इस तरह से जो भी मैंगो हो, इस तरह से जो भी आपको ट्रीज मिलेंगे तो एक नंबर्स में होंगे।
वो नंबर्स किस टाइप का होगा, वन से ही स्टार्ट होगा, तो वन से स्टार्ट होगा, इसके बाद आप जितना नंबर्स होगा काउंट कर सकते हो, उसके बाद आप लिमिटलेस जो भी नंबर हो। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिनको हम प्रैक्टिकल यूज कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता, वन से स्टार्ट होता, कहां से स्टार्ट होता बेटा, वन से स्टार्ट होता। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता बेटा, वन टू थ्री डॉट डॉट सो ऑन, ये सारे जो नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को आप डिनोट किससे करते हो बेटा, कैपिटल लेटर के एन से डिनोट करते हो। ओके, यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर की, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट थिंग कैपिटल लेटर डब्ल्यू से जो इसको डिनोट करते हैं। अब बेटा इस नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर की बात आएगी तो हम कहां से कहां तक हो जाएंगे बेटा, इस वन से ये सारे जो है यहां से लेके ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, सारे होल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसको आप नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो, कैपिटल होल नंबर्स। होल नंबर्स बेटा अगर इसको हम मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें होल नंबर्स में क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू जीरो विथ नेचुरल नंबर्स, जीरो विथ नेचुरल नंबर्स। ओके, मीन्स W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जीरो वन, नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर भाई, वन टू थ्री फोर ये सारे क्या हो जाएंगे, ये होल नंबर्स हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई। ओके, मीन्स जीरो के साथ जो नेचुरल नंबर ऐड हो जाएगा ये क्या, कैपिटल एन मीन्स क्या, नेचुरल नंबर, जीरो विद नेचुरल नंबर ओके इज कॉल्ड होल नंबर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एन कैपिटल एन के प्लेस पर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये सारे होल नंबर्स हो गए। ओके, होल नंबर्स हो गए। और नेचुरल नंबर्स इस तरह से फर्स्ट थर्ड पार्ट आपका क्या आ गया बेटा, इंटीजर्स, क्या आ गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करेंगे तो ये सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपका जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री फोर प्लस फोर इस तरह से सो ऑन, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये सब के सब नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, ये इंटीजर्स बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, इंटीजर्स बोले जाते हैं। अब यहां से बात आती है, ये आपका नेचुरल नंबर्स हो गया, इसको अगर हम जीरो के साथ भी ऐड कर लेंगे ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, होल नंबर्स हो गया। इस पूरे नंबर्स को की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर्स, क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। इसको कैपिटल लेटर जेड से हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा एक बात और है, इंटीजर्स में भी देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीजर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट वन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ओके, इट इज डिनोटेड बाय जेड प्लस, सेकेंड वन निगेटिव इंटीजर्स, इट इज डिनोटेड बाय जेड माइनस। ओके, गॉट इट माई पॉइंट, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जीरो के राइट साइड में जो प्लस वन प्लस टू थ्री प्लस फोर प्लस फाइव है, ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। यू कैन से नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और आप जीरो के लेफ्ट साइड में जब आओगे, जीरो से लेफ्ट साइड में आओगे, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, ये क्या बोले जाते हैं, जेड माइनस है, निगेटिव इंटीजर्स। ओके, यहां से इस साइड जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट साइड जब आप चलोगे तो आपको जेड प्लस लेफ्ट साइड आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू गेट जेड माइनस। जेड प्लस मीन्स बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये नंबर सिस्टम्स है, इनको जानना, रेशनल नंबर्स में इन नंबर सिस्टम को के बारे में जानना कंपलसरी है। ओके,
रेशनल नंबर्स में हमने नंबर्स के बारे में तो बेटा डिस्कस कर लिया, ओके बच्चा, नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब रेशनल के बारे में हमें डिस्कस करना, एक रेशनल RATIONAL रेशनल, ओके, इट इज टेकन बाय रेशियो, ओके, RATIO रेशियो, इट इज टेकन बाय रेशियो। बेटा ये किससे लिया गया है रेशनल, किससे लिया गया बेटा, रेशियो से लिया गया, किससे लिया गया, रेशियो। बेटा जब रेशियो की बात आई, डू यू नो अबाउट रेशियो, लाइक दैट कभी हम अगर इस तरह से कभी हम अगर सॉल्व करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सपोज कुछ चीज x इक्वल टू 2:5 आता था, इस तरह से आता 2:5, 2:2, इसको क्या बोलते थे, 2:, ऐसा कुछ बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ओके, थोड़ा रिकॉल करो, रिवर्स में जाओ, 2:5 बोलते थे कि नहीं, इसको इसको 2 आप बोलते थे, ओके, इसको रेशियो भी बोलते थे आप, क्या बोलते थे बेटा, रेशियो, इसको क्या बोलते थे, रेशियो, ओके, तो 2:5 को आप किस तरह से डिनोट करते थे, 2:5, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बोलते थे। मीन्स जब रेशियो की बात करें, एक किस फॉर्म में आ गया, एक किस फॉर्म में बेटा आ गया, 2:5 एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आया, फ्रैक्शन फॉर्म में आया। मीन्स जब रेशियो की बात आएगी, जब रेशियो की बात आएगी तो कहीं कहीं से फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स 1:2, 2:4, 4:9, कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा, ओके, और यू कैन से 9:1, इट इज, ओके, 9:1 इज इक्वल टू 9, ओके, 4:1 ये टर्म आपको मिलेगा इज इक्वल टू 4, 4 को आप 4:1 से डिनोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मीन्स रेशियो, इस हम रेशनल पर चलते हैं, रेशनल जो हमारा है, रेशनल किससे बेटा बना है, रेशियो से बना, किससे बना, रेशियो से बना, तो रेशियो की बात आएगी तो कुछ इस तरह से बात आएगी, 2:5, 2:6, कुछ इस तरीके से भी आपको मिलेगा, 9:5 को आप कैसे डिनोट करोगे बेटा, 9:5, कुछ ऐसे इसको डिनोट करोगे, 9:5 को 9:5, ओके, तो रेशनल को किससे लिया गया, रेशियो से लिया गया, मीन्स रेशियो की बात आएगी तो कहीं ना कहीं से वो बेटा इस तरीके की बात आएगी, जब इस तरीके की बात आएगी मीन्स इस तरीके की बात आएगी, ओके, मीन्स ये समझ जाओ कि रेशनल है तो रेशियो की बात आएगी, रेशियो की बात आएगी तो कुछ ऐसे इस तरह की बात आएगी, इस तरह की बात आएगी मीन्स एक किस फॉर्म में बेटा होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, बात समझ में आ रहा है। अब इतना तो इससे आइडिया मिल जाना चाहिए कि जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है बेटा वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, बात समझ रहे, मीन्स आपका रेशनल, हम बात किसकी कर रहे हैं, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर, नंबर्स मीन्स नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। फिर इसमें आता क्या बेटा, रेशनल, रेशनल टर्म जो आता है, रेशनल टर्म इज टेकन बाय रेशियो, ओके, रेशनल, RATIO, रेशनल इज टेकन बाय रेशियो, एंड रेशियो, रेशियो मीन्स 9:5, कुछ इस तरीके का टर्म आपको मिलेगा, इस तरह का मिलेगा तो 9:5 करोगे, कुछ इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा मीन्स बेटा किस फॉर्म में, एक किस फॉर्म में आ गया आपका, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आया बेटा, कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में आया, फ्रैक्शन फॉर्म में आया, ये फ्रैक्शन फॉर्म आपका क्या हो गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म आपका रेशनल नंबर होगा, मीन्स कुछ ऐसा जो भी होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा मीन्स रेशनल नंबर होगा, मीन्स रेशनल नंबर्स होगा तो मीन्स वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। यहां पे बात समझ में आई, समझ में आई, ठीक है, एक यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है तो किसी किसी ने किसी फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो मीन्स किसी 1:2, 2:4, 4:9 कुछ इस तरीके का टर्म आपको मिलेगा, मीन्स एक तो आपका न्यूमरेटर पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर पार्ट होगा, इसी तरह से सारे होंगे, ओके, तो मीन्स एक किस फॉर्म में होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं 3:3 फॉर्म होगा,
किस फॉर्म में होगा बेटा, पी बाई क्यू फॉर्म होगा। मीन्स रेशनल नंबर है तो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म है मीन्स कोई न्यूमेरेटर होगा तो कोई डिनोमिनेटर होगा, कुछ इस तरीके का टर्म मिलेगा। तो जो न्यूमेरेटर पार्ट है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया बेटा, जो न्यूमेरेटर पार्ट है उसको हमने एज्यूम कर लिया पी, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हमने क्या है जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हमने क्या एज्यूम किया बेटा, क्यू। ओके, मीन्स रेशनल नंबर्स किसी न किसी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा मीन्स कोई न्यूमेरेटर पार्ट होगा कोई डिनोमिनेटर पार्ट होगा, तो जो न्यूमेरेटर पार्ट होगा उसको हमने क्या एज्यूम किया पी, एंड जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसको हमने क्या एज्यूम किया क्यू। यहां तक बात समझ में आई? अब मीन्स रेशनल नंबर्स, अब यहां से हम आते हैं इसको अच्छे तरीके से समझते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स है तो उसको किस फॉर्म में बेटा हम इसको डिनोट करेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में। कोई भी पी बाई क्यू फॉर्म में होगा उसको आप रेशनल नंबर्स बोल सकते हो। यहां तक बात समझ में, उसको आप रेशनल नंबर्स बोल सकते हो बेटा। इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है वेयर नंबर, अभी तो हमने सिर्फ रेशनल पर डिस्कस किया, किस पे डिस्कस किया, सिर्फ ओनली रेशनल, रेशनल पर डिस्कस किया कि पी बाई क्यू फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म होगा पी बाई क्यू फॉर्म में। इसके रेशनल के साथ बेटा क्या लगा हुआ है, नंबर्स लगा हुआ। अब नंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। डू यू नो अबाउट इंटीजर्स? इंटीजर्स मीन्स बेटा जीरो प्लस राइट साइड, जीरो मेरा राइट साइड, ओके, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉट डॉट सो ऑन, माइनस वन जीरो के बाद लेफ्ट साइड, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट सो ऑन, मीन्स इस सब क्या हो गए बेटा, इंटीजर्स हो गए। अगर आप इस तरीके से नंबर लाइन पर डिनोट करोगे तो जैसा आपने इधर जाओगे तो प्लस टर्म मिलेगा और इधर जाओ माइनस टर्म मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा इस रेशनल नंबर्स की, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ साथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स होना चाहिए मीन्स पी और क्यू क्या होना चाहिए बेटा, कि पी इक्वल टू, ओके, पी इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव जीरो कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये बेटा इसकी फर्स्ट कंडीशन है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट सो, बात समझ में आए। सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है, सेकेंड कंडीशन कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। इसकी कितनी कंडीशन है बेटा, इस बस आपका जो रेशनल नंबर्स है सिर्फ इतने ही है, रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मीन्स पी इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इधर भी हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो ऑल्सो, ओके। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये पी के प्लेस पर हो सकते हैं, ओके। बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू बेटा, Q की वैल्यू जीरो नहीं, अगर Q इक्वल टू हम जीरो यहां पर नहीं कर सकते, ओके। ए आपको रेशनल नंबर्स के लिए फुलफिल नहीं करेगा, इसकी कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहां तक बात समझ में आई? रेशनल नंबर्स हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए बेटा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ओके, एंड
सेकंड कंडीशन, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी और पी एंड क्यू बोथ ओके बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या है इंटीजर्स है, बट क्यू में इंटीजर्स की बात आएगी तो क्यू में जीरो भी आएगा। इंटीजर्स में जीरो भी तो होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, बीच में जीरो होता है कि नहीं होता। तो ये जीरो होता है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है कि क्यू पी तो आपका जीरो हो सकता है लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता। किसके लिए बेटा, इस रेशनल नंबर के लिए। बात समझ गए। इसको थोड़ा सा हम लोग आप क्या करते हैं, डेफिनेशन बना देते हैं, उस डेफिनेशन को आप समझ में आ जाएगा आपको। ओके, इस रेशनल नंबर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर दैट नंबर रेशनल नंबर इसको हम सपोज हम इससे किससे डिनोट कर देते हैं बेटा, अगर आर रेशनल नंबर को किससे डिनोट कर दे, सपोज आर ओके, वैसे जनरली इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर क्यू से ओके। कोसेंट क्यू इज इक्वल टू ओके, तो रेशनल नंबर दैट अ नंबर विच ओके कैन बी रिटेन रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। रेशनल नंबर इसको बेटा हम क्यू से डिनोट करते हैं।